नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। यूपी के बुलंदशहर में 5 दिन पूर्व यामाहा शोरूम के संचालक की उसके ही पार्टनर ने उधार के 8 लाख रुपए का तगादा किए जाने से नाराज होकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका खुलासा पुलिस ने आज हत्यारोपी सौरभ को गिरफ्तार कर किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कतल भी बरामद कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये है बुलंदशहर का ही रहने वाला सौरभ शर्मा, जिस पर अपने ही पार्टनर अतुल शर्मा की गोलियां मारकर हत्या करने का आरोप है। दरअसल 26 जून को बुलंदशहर दिल्ली रोड पर स्थित यामाहा के इसी शोरूम में यामाहा शोरूम के संचालक और फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के पेशकार अतुल शर्मा की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर शराब के नशे में हत्या कर दी गई थी और वारदात को अंजाम दे अतुल शर्मा का पार्टनर सौरभ शर्मा फरार हो गया था। पुलिस की माने तो अतुल शर्मा ने सौरभ शर्मा को 10 लाख रुपये उधार दिए थे, जिनमें से 2 लाख रुपये वह दे चुका था और 1 लाख रुपये का तगादा करने से नाराज हो सौरभ शर्मा ने अतुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर लिया है और हत्याकांड का खुलासा कर डाला है। जून की शाम को लगभग 6:30 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में हत्या की एक घटना हुई थी, जिसमें अतुल उर्फ योगेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो यामाहा एक शोरूम है उसमें पार्टनर के रूप में था। हत्या का आरोप इसके दूसरे पार्टनर सौरभ शर्मा पे था। CCTV फुटेज से भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि दोनों साथ साथ अंदर थे। दोनों के बीच में लेन देन का एक विवाद था, यद्यपि वापसी बातचीत से विवाद लोगों ने निपटा दिया था, फिर भी दोनों साथ साथ बैठ के शराब पी रहे थे। उसके बाद किसी बात पे जो मृतक है अतुल शर्मा, इसने कुछ गाली गलौज किया, इसी पे उत्तेजित होकर के अभियुक्त सौरभ शर्मा जो इसका पार्टनर था, इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसको कई राउंड गोलियां मारी, जिससे वो मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। घटना कारित करने के बाद वो धीरे से निकला और शटर 3/4 से ज़्यादा बंद करने के बाद अपनी कार में बैठ करके निकल गया। लगातार हम लोग दबिश दे रहे थे। दूसरे दिन ही इसकी गिरफ्तारी पे, चूँकि ये सनसनीखेज हत्या थी, 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया। अनवरत हम लोग लगे रहे। अब सूचना से हमें जानकारी मिली कि इसने भागते वक्त अपना लाइसेंसी पिस्टल अपनी माँ को दिया, उससे पैसे लिए। माँ ने उस असलहे को, जो आला कत्ल के रूप में था जिससे घटना कारित की गई थी, घर में छुपा दिया था। माँ की निशानदेही पे आला कत्ल की बरामदगी की गई। माँ को भी अभियुक्त बना के 201 IPC 216 IPC में और रिकवर्ड आला कत्ल के साथ जेल भेज दिया गया था। कल लगातार कई जनपदों में अनवरत दबिश देने के बाद अभियुक्त सौरभ शर्मा की कल गिरफ्तारी रात में की गई है और अब इसे जेल भेजा जा रहा है।